हेलो नमस्कार, माइक टेस्टिंग 1 2 1 2 1 2 1 2। कल पंजाब ने सीएसके को बोल दिया सीएसके तू हो जा उड़नचू। सीएसके की टीम जो कि अब तक काफी अच्छा खेल रही थी, लेकिन पिछले दो मैचेस वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हारी। पहले राजस्थान ने उनको भर भर के पेला, फिर वो दिल्ली से पिट गए, और कल रही सही कसर पंजाब ने भी पूरी कर दी जब पंजाब ने सीएसके के छक्के छुड़ा दिए। वैसे कल सीएसके जो थी, सीएसके की टीम में खुशी की बात है, क्योंकि उनके निब्बा नंबर वन दीपक चहर कल वहां पर स्टेडियम में प्रपोज कर रहे थे अपनी फियोंसी को, उन्होंने अंगूठी भी पहनाई। एंड पंजाब वाज लाइक, हाँ तुम ये पहले कर लो, मैच हम जीत जाते हैं, तुम ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो, जाके रिंग पहना लो, जाके एंगेजमेंट कर लो, जाके मैच हम खेल लेंगे। सीएसके जो है अब तक बुलेट ट्रेन वाले मोड में चल रही थी, सडनली वो बैलगाड़ी वाले मोड में आ चुकी है थैंक्स टू ऑल द आउटसाइड का डिस्ट्रैक्शन। धोनी एज ए बैट्समैन वो बहुत बुरी तरह से हगे हैं इस सीजन में। कल भी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए, और अगेन एक लेग स्पिनर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। 80 का स्ट्राइक रेट अगेन साबित हो रहा है कि अगर गायकवाड़ और डुप्लेसी में से अगर एक भी फेल हो जाएगा तो ये टीम ऑन द मूव गिर जाएगी, जो कि कल हुआ। गायकवाड़ नहीं चला, मोइन नहीं चला, उत्तपा नहीं चला, राइडू नहीं चला, धोनी नहीं चला, रविंद्र जडेजा ने 15 बनाए नो डाउट, लेकिन कोई काम नहीं था। 134 पे ये टीम सिमट गई, और उसके बाद आता है राहुल, 98 नॉट आउट मार गया, और क्या बचा भाई, तुम बस एंगेजमेंट करवा लो सीएसके वालों। उसके बाद मुंबई इंडियंस ब्रेक कर रही थी कि यार राजस्थान ने जैसे सीएसके को पीटा था, वैसे ही केकेआर को भी पीट देगी तो मजा आ जाएगा और हम लोग पहुंच जाएंगे, यार हमारी किस्मत राजस्थान वालों तुम्हारे हवाले। लेकिन नहीं, राजस्थान के पास जितनी भी बैटरी बची थी वो तो वो सीएसके के अगेंस्ट इस्तेमाल कर चुकी है। वही उनके सामने जो केकेआर थी, केकेआर ने जबरदस्त तरीके से अपना डंका बजा दिया और टॉप फोर में अपनी जगह फिक्स कर ली। वही मुंबई के लिए प्लेऑफ के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, या तो वो 170 रन से जीत जाए जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर जो तस्वीर साफ हुई है उसके अकॉर्डिंग सीएसके का मुकाबला होगा डीसी से, दोनों में जो हारेगा वो एलिमिनेटर में जाएगा, फिर वहां पर आरसीबी केकेआर वगैरह में इनका जो विनर होगा उससे जीत होगी। मुंबई इंडियंस का सपना टूट चुका है, एसआरएच पीबीकेएस आरआर इन सबके सपने टूट चुके हैं, टॉप फोर की टीमें बन चुकी हैं दिल्ली सीएसके आरसीबी और केकेआर। आज भले ही दो मैच हैं और दोनों मैच एक साथ हैं, बट आई थिंक इन मैचेस का अब कहीं कोई नतीजा मैटर नहीं करता, टॉप फोर हमें मिल चुके हैं। आपका क्या कहना है, कि आपको नहीं लग रहा कि सीएसके की टीम जो है वो बाहर के डिस्ट्रैक्शन से इतनी डिस्ट्रैक्ट हुई है कि खेलना ही भूल गए हैं? इनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छा परफॉर्मेंस देना, लेकिन नहीं, गर्लफ्रेंड ला रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, शोशाबाजी कर रहे हैं और ग्राउंड में जाके फिस हो जा रहे हैं। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा था सीएसके पलटवार करेगी, लेकिन इस टीम के खिलाड़ियों का माइंडसेट देख करके लग रहा है ये चूक गए हैं, मतलब जितना करना था ये इतना कर चुके, अब इसके आगे हमसे हो ना पाएगा। सीएसके मेरी फेवरेट टीम है, और लोग मुझसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो फेवरेट होता है तुम उसमें कभी कोई कमियां नहीं निकालते, ये सीएसके की देखो हमने कैसी धज्जियां उड़ाती है। लेकिन उसके बाद भी जब लोग कहते हैं भाई आप अपने फेवरेट की कमियां नहीं देखते, यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। खैर, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपने समय निकाला, वीडियो सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।